समस्तीपुर में भूमि विवाद में कारोबारी की हुई हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। पटोरी बाजार की सभी दुकानों को बंद करवाकर सड़क जाम कर दी, जिससे घंटों तक आवागमन प्रभावित रहा। मामले की जानकारी होने के बाद पहुंची पुलिस को भी लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। दरअसल शुक्रवार की देर रात 65 साल वर्षीय कारोबारी शशि शर्मा की भूमि विवाद में पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी। घटना में मृतक के भाई को भी गंभीर चोटें आई थी, जिसका इलाज अभी नजदीक के अस्पताल में चल रहा है। वहीं अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण लोग काफी आक्रोशित हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी समस्तीपुर से पप्पू जुड़ चुके हैं। पप्पू, भूमि विवाद में इस तरह से घटना को अंजाम देना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। इस पर अभी क्या पुलिस प्रशासन किसी की गिरफ्तारी अभी तक की है? जी, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और मैं बता दूं कि इस घटना से लोगों का गुस्सा उबाल पर है और पुलिस प्रशासन के प्रति लोगों का आक्रोश चरम पे है, क्योंकि आए दिन समस्तीपुर जिला में इस तरीके का अपराधी घटना को अंजाम देकर बेखौफ होके चले जाते हैं और पुलिस प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई रह जाती है। तो मैं बता दूं कि इस तरीके से लोगों का गुस्सा बहुत चरम पर है और यहाँ पे विधायक, पूर्व विधायक जो है बुलगानी जी, वो भी आए हैं और लोगों को समझा बुझा रहे हैं। पप्पू, जिस तरह से जो अपराधी हैं अभी अभी जो भूमि विवाद है वो कोर्ट में लंबित है, फिर भी कोर्ट में लंबित होने के बाद जो बेखौफ अपराधी है, इतने बेखौफ है कि वो घर में घुस करके मारपीट के घटना को अंजाम दिया और उसे छत से नीचे फेंक दिया, क्या पुलिस अभी तक आपसे, पुलिस से इस पर कुछ बातचीत हुई है? पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर रही है? जी, पुलिस छापेमारी कर रही है परंतु असफलता हाथ लगी है। पुलिस अभी किसी को पकड़ नहीं पाई है, जिससे लोगों का गुस्सा मतलब पुलिस के प्रति बहुत ज्यादा है और लोग मांग कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके तुरंत कार्रवाई किया जाए अपराधियों पर और अपराधियों पर नकेल कसा जाए, जिससे कि आम जनमानस संतुष्ट हो। पप्पू, जिस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार जो बिहार के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वो अपराध के ग्राफ को कम करने के लिए अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की और कई तरह से उन्होंने निर्देश दिया ताकि जो है बिहार में अपराध के ग्राफ जो कम हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं बड़ी सवाल है। क्या वहाँ पे पुलिस प्रशासन, जो नीतीश कुमार जिन्होंने निर्देश दिया, उनके निर्देश का वो पालन करते दिखाई दे रहे हैं? क्या वो वहाँ पे गश्ती वगैरह करते हैं? क्या वो मतलब देहात में, क्षेत्र में अपने घूमते हैं, जिससे ताकि जो अपराधी हैं उसमें खौफ कम हो? जी, वहाँ पर भी पुलिस प्रशासन के द्वारा गश्ती किया जाता है और प्राइवेट जो ये है वो भी वहाँ पे रात्रि प्रहरी के रूप में काम करते हैं। वहाँ पे कुछ नेपाली लोग हैं, वो भी रात्रि प्रहरी के रूप में गश्ती करते हैं और पुलिस प्रशासन भी गश्ती करती है। परंतु जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है वो कहीं ना कहीं पुलिसिया व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है कि इतना कुछ होने के बावजूद भी किस तरीके से अपराधियों का हौसला चरम पर है, जो आए दिन अपराधी किस तरीके के घटना को अंजाम दे देते हैं। पप्पू, जो आक्रोशित लोग हैं, कि जैसे कि हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो आक्रोशित लोग हैं वो हत्या को लेकर इसे प्रदर्शन कर रहे हैं। पप्पू, क्या लोगों का क्या कहना है, जो ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो लगातार, उनका क्या मांग है, वो क्या कह रहे हैं? जी, लोगों का कहना है कि जितना जल्दी हो सके पुलिस प्रशासन अपराधी को गिरफ्तार करे और आए दिन जो घटना हो रही है उस पर अंकुश लगे। वहीं दूसरी ओर मृतक की परिजनों को 20 लाख रुपए और सरकारी नौकरी की भी मांग कर रहे हैं। पप्पू, ज्यादा जानकारी के लिए धन्यवाद। जैसे कि आप साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हमारे टीवी स्क्रीन पर किस तरह से जो लोग हैं, आक्रोशित लोग हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हत्यारा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए हैं, इसे लेकर वो कहीं ना कहीं पुलिस पर खपा हैं। वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी की जाए।